अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू जी उस्ताद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़खिही व नफ़सी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا. وإن من قرية، और नहीं है कोई भी बस्ती, इल्ला नहनु मुहलिकूहा, मगर हम हिला करने वाले हैं उसको, कबल यौमिल कियामती, क़यामत के दिन से पहले, अव मुअज़्ज़िबूहा, या अज़ाब देने वाले हैं उसको, अज़ाबन शदीदा, बहुत सख्त अज़ाब. कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा, है ये चीज़ किताब में लिखी हुई. नहीं है कोई भी बस्ती मगर हम उसे हिला करने वाले हैं. नहनु मुहलिकूहा, मुहलिकूहा का असल क्या है? अल्लाह असल में क्या था मुहलिकूहा? यहलिकु हालांकि यह लिखू से ये मुहलिकू क्या चीज है? इसम है, फेल है, कौन सा फेल है? इसमें फाइल इसम फाइल है. इसम फाइल किससे है ये? ये सारे मोहतरम आदम हाँ तो बताइए, मुहलिकूहा और आगे मुअज़्ज़िबूहा, ये ग्रामर के रूप से क्या है दोनों? इसमें फाइल है इसम फाइल है. असल में क्या था ये मुहलिकूहा और मुअज़्ज़िबूहा? मोबाइलों के वजन पे है। हाँ जी, कोई और बताएं, बाकी लोग भी हिस्सा लें. हाँ जी नुमान साहब. वालेकुम हाँ जी सर, मैं गौर कर रहा हूँ इस पे। हाँ जी, कोई और? वकास साहब. हाँ जी सामना. उस्ताद मोहतरम, मौजिबुआ बाब तफईल से है, क्या है? अज़्ज़ब युअज़्ज़िब मौजिबुआ, उसका इसम फाइल है। इसम फाइल का कौन सा सीगा है और असल में क्या था? असल में मुहलिकूहा, असल में मुहलिकूना था, मुहलिकूना, और मुअज़्ज़िबूहा असल में मुअज़्ज़िबूना था. तो ये कौन से सीगे हुए दोनों, मुहलिकूहा, मुहलिकूना और मुअज़्ज़िबूना? जमा मुजक्कर जमा मुज़क्कर के सीगे हैं. मुहलिकू अहलका युहलिकू से बाबे फ़ाल से इसम फ़ाइल है, जमा मुज़क्कर का सीगा है, और मुअज़्ज़िबूहा मुअज़्ज़िबूनहा, तो ये अज़्ज़ब युअज़्ज़िबू बाबे तफ़ईल, ये इसम फ़ाइल है और जमा मुज़क्कर का सीगा है. और मुराद इससे कौन है? इसका नून क्यों गिरा हुआ है? इसका नून इसलिए गिरा क्योंकि ये मुज़ाफ़ है हाँ की तरफ, हाँ अलिफ हाँ की तरफ, दोनों मुज़ाफ़ है.
हाँ अलिफ हा मुजाफ इलैह है, तो जब ये इसम फाइल मुजाफ हो जाए तो नून गिर जाता है तस्निया में भी, और जमा मुजक्कर सालिम है ना, इसमें भी नून गिर जाता है। तो ये मोहलिकून से मोहलिकूहा बन गया, मुआज्जिबून से मुआज्जिबूहा बन गया। मुराद इससे कौन है? अल्लाह ताला मुराद, अल्लाह ताला फाइल है और हास का अल्लाह ताला मुराद है ना, अल्लाह ताला अपने बारे में नहनु कह रहे हैं, अल्लाह तो अल्लाह ताला अपने लिए, अल्लाह के लिए जमा का सीगा क्यों आ रहा है? अल्लाह तो अकेले हैं, तो ये जमा ये तज़ीम, इज्जत तकरीम के लिए आता है। ये जमा तज़ीम है। तो नहीं है कोई भी बस्ती मगर हम, यानी अल्लाह ताला, मुहलिकुहा हिलाक करने वाले हैं उसको, कबल यौमिल क़ियामती, क़ियामत के दिन से पहले, अव मुअज़्ज़िबुहा, यह हम अज़ाब देने वाले हैं उसको, यानी उस बस्ती को, अदाबन शदीदा, सख्त अजाब, यहाँ भी कबल यौमिल क़ियामा मौजूद है जो महजूफ है। असल इबारत है वही मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा कबल यौमिल क़ियामती अव मुअज़्ज़िबुहा अदाबन शदीदा कबल यौमिल क़ियामा। तो नहीं है कोई भी बस्ती मगर हम उसे हिला करने वाले हैं क़ियामत के दिन से पहले, यह हम उसे अजाब देने वाले हैं क़ियामत के दिन से पहले, सख्त तरीन अजाब। काना दाली के फिल किताबी मस्तूरा, है ये चीज किताब में सतर शुदा, लिखी हुई, मस्तूरा लिखी हुई। किताब से मुराद लोहे महफूज है, लोहे महफूज में लिखा है किस बस्ती के साथ क्या होना है, किस बस्ती के साथ क्या होना है। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई भी बस्ती नहीं है मगर हमने या तो उसे हिला कर देना है क़यामत से पहले पहले, या हमने उसे अजाब दे देनी है, क्या अजाब दे देना है क़यामत से पहले पहले। ये दोनों बातें क़यामत से पहले हैं, तो इससे दुनिया का अजाब और दुनिया की हिलाकत मुराद है। क़यामत का अजाब तो फिर बहुत बड़ा और हमेशा हमेशा का अजाब है, तो क़यामत से पहले भी हिलाकत और अजाब की बात हो रही है। तो इससे मुराद कौन सी बस्ती है? कोई नहीं है कोई भी बस्ती मगर हम उसे हिला करने वाले हैं, तो इससे तो महसूस होता है जैसे इसमें सब बस्तियां आ जाती हैं, सारी कौमें आ जाती हैं। तो क्या इससे कुफार की सारी कौमें मुराद हैं, कि इससे कुफार के अलावा मुसलमानों की कौमें भी मुराद हैं? क्या मुराद है उस्ताद इसमें? मतलब पिछली आयत में ना जो मुशरिकीन का जिक्र हुआ है, क्योंकि यहाँ आयत की शुरुआत वहां से हुई है, तो इनका रब थे आयत का, तो मुशरिकीन की करियत तुम जो ऐसे अमाल करेंगे। ये कहाँ तक आने लगी, कहाँ कमी होगी, और अच्छी यानी बुरी कौम में कि अच्छी कौम में भी? अच्छी कौम भी उसमें शायद जो कुछ करेंगे अल्लाह ताला के अजाब अगर हम होंगे। अच्छी कौम में भी मुराद लें तो फिर क्या मतलब होगा कि नहीं है कोई भी बस्ती, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हम उसे हिला करने वाले हैं क़यामत के दिन से पहले पहले, या हम उसे सख्त अजाब देने वाले हैं? तो अच्छे अच्छे लोगों पर भी हिलाकत और अजाब आएगा। अच्छे लोग तो लाजिम बात है, दुनिया से क़यामत से पहले ही अल्लाह ताला उनको उठा लेगा, ये क़यामत से पहले की बात ही हो रही है ना। जी तो अजाब जो आना है वो तो अल्लाह की नाफरमान लोगों को। तो ये जो है मुफस्सिरीन की दोनों राय हैं, एक राय ये है कि यहाँ देखें अंदाज तो ये नहीं है कोई भी बस्ती मगर, ये पहले नफी हो जाए बाद में इस बात हो जाए, एक तो इसमें यानी सारी कौमें आ जाती हैं। अब इख्तलाफ ये है कि सारी कौमों से मुराद सारी जालिम कौमें, सारी काफिर अल्लाह के नाफरमान कौमें, या इसमें नेक कौमें भी आ जाती हैं, नेक लोग भी आ जाते हैं। तो एक राय ये है जो पहली और जमहूर की राय है, वो ये है कि यहाँ जालिम कौमें, काफिर कौमें मुराद है, तो अल्लाह काफिर। तो दूसरी राय ये है कि यहाँ ऐसे ऐसी कौमों भी मुराद है जिसमें नेक लोग भी हों, दोनों आरा मौजूद हैं। लेकिन ज़्यादा राय बेहतर जो महसूस होती है वो यही है कि इससे मुराद काफिरों की बस्तियां और काफिर कौमें मुराद है, क्योंकि हिलाकत कुरान करीम का मुताला करें तो पता लगता है कि हिलाकत का ताल्लुक और अजाब का ताल्लुक किससे है? काफिर कौमों से, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन वाहलुहा मुस्लिहून, आपका रब किसी कौम को उनके जुल्म की वजह से हिलाक नहीं करता,
अगर उसके रहने वाले इस्लाह करने वाले हों, तो इससे पता लगता है कि जिस बस्ती में अच्छे लोग होते हैं उन्हें अल्लाह हिलाक नहीं करते। वमा कुन्ना मुहलिकिल कुरा इल्ला वाहलुहा ज़ालिमून। अल्लाह फरमाते हैं हम किसी बस्ती को हिलाक नहीं करते, मगर तब हिलाक करते हैं जब उस बस्ती के रहने वाले जालिम हों। तो पता लगता है कि हिलाकत अल्लाह की तरफ से अजाब है जालिमों के लिए, अल्लाह के नाफरमानों के लिए। तो पहली राय जो ज्यादा बेहतर महसूस होती है वो यही है कि हर कौम से मुराद यहाँ जालिमों की हर कौम है। तो मतलब ये होगा पहली राय के मुताबिक नहीं है कोई भी बस्ती यानी जालिमों की। और सियाको सबाक भी बता रहा है कि ये जिस तरह सियाको सबाक मुशरिकीन के बारे में चल रहा है, मुशरिकीन के बारे में, तो मुशरिकीन को अल्लाह कुरान करीम में अल्लाह ताला पिछली कौमों के हालात बयान करके धमकी और डराते हैं। और तो गोया कि अल्लाह ताला मुशरिकीन को पिछली जालिम कौमों के हालात से डरा रहे हैं। नहीं है कोई भी बस्ती इससे पहले नहीं गुजरी मुशरिकीन ने मक्का से पहले जालिमों की, मगर हम उसे हिलाक कर देते थे या हम उसे अजाब कर देते, अजाब देते थे, सख्त अजाब क्यामत से पहले पहले। पहले भी ऐसे हुआ और ये सिर्फ माजी की कौमों के साथ नहीं, आइंदा भी ऐसे ही होगा। हाँ क्यामत के दिन से पहले पहले आइंदा भी कोई भी जालिम कौम आएगी तो हम उसे हिलाक कर देंगे या हम उसे सख्त अजाब देंगे क्यामत के दिन से पहले पहले। तो इसमें गोया के इंतजार है, एक वईद है कुरैश के लिए कि अगर तो तुम भी कौमों में शामिल हो, तुम भी जालिम कौम हो, तुम अगर तुम नबी की इताअत नहीं करोगे, नबी को अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल नहीं मानोगे और उन्हें झुठलाते रहोगे तो तुम भी अल्लाह की इस वईद का शिकार हो। तो इस पहली राय के मुताबिक इससे सारी जालिम कौमें मुराद हैं। अच्छा जी, नहीं है कोई भी बस्ती यानी जालिम पहली तफसीर के मुताबिक, मगर हम उसे हिलाक करने वाले हैं क्यामत के दिन से पहले पहले या उसको अजाब देने वाले हैं सख्त अजाब। अब हिलाकत में और अजाब में क्या फर्क है? या हम उसे हिलाक करने वाले हैं या हम उसे सख्त अजाब देने वाले हैं, ये एक ही चीज है कि दो अलग अलग चीजें हैं? अलग अलग चीजें इसलिए अलग बयान हुई हैं, और वो आया है तो अलग अलग अतफ चीजें हैं, तो अजाब अलग फिर क्या मुराद हुआ? हिलाकत से क्या मुराद हुआ? सख्त अजाब से क्या मुराद हुआ? तो कोई भी शख्स हो सकता है, लेकिन अजाब देखो नहीं, तो मुसलमान भी हो सकते हैं, बनते हैं। हिलाक अब यही तो खिलाफ है ये ना शायद जी। शिद्दत शिद्दत को शायद वाजे करने के लिए। अब देखिए ना, आपने ये गहराई है इस आयत में। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया इस आयत की दो तफसीरें हैं कि पहला सवाल यह है कि इस आयत में सिर्फ जालिम कौमें वो मुराद हैं कि गैर जालिम कौमें भी मुराद हैं, तो दोनों तफसीरें हैं। अभी हम पहली तफसीर की बात कर रहे हैं जो ज्यादा जमहूर की है और ज्यादा बेहतर भी महसूस होती है। वो तफसीर ये है कि जालिम बस्तियों की बात हो रही है, सियाको सबाक भी ये बता रहे हैं, अल्लाह मुशरिकीन मक्का को मुखातिब कर रहे हैं। तो मुशरिकीन मक्का को अगर अल्लाह मुखातिब कर रहे हैं, पीछे से उनका जिक्र चल रहा है, तो उन्हीं को अल्लाह डरा रहे हैं, तो उनके लिए तो जालिम और अल्लाह के नाफरमान कौमों की बात होगी। तो अल्लाह गोया कि ये हिलाकत और सख्त अजाब ये दोनों जालिम कौमों की बात है। तो हर जालिम कौम के का अल्लाह जिक्र कर रहे हैं, वो कौमें जो पहले गुजरी, वो कौमें जो आइंदा क्यामत आएंगी, क्यामत तक आएंगी। तो अल्लाह फरमाते हैं नहीं है कोई भी यहाँ जालिम कौमें मुराद हैं पहली पहली राय के मुताबिक। तो पहली राय के मुताबिक अगर सिर्फ जालिम कौमें मुराद हैं तो नहीं है कोई भी बस्ती यानी जालिम, मगर या तो हम उसे हिला कर देंगे क्यामत से पहले पहले या हम उसे सख्त तरीन अजाब देंगे क्यामत के दिन से पहले पहले। दोनों चीजों में फर्क है। क्या फर्क है? ये पहली राय वाले मुफस्सिरीन कहते हैं कि हिलाकत से मुराद है कि उस कौम को यानी मुकम्मल तौर पे हिला कर देना, किसी बंदे को भी ना छोड़ना, ये बेटा हिलाकत से मुराद है। और या तो हम उसे मुकम्मल हिला कर देंगे, सारे बंदों को उनके हम अजाब से दो चार कर देंगे, कोई ऐसा अजाब आएगा कि पूरी कौम तबाह हो जाएगी, हिलाकत से मुराद क्योंकि जालिम कौमों की बात हो रही है। या फिर हम उसे अजाब देंगे सख्त अजाब, तो सख्त अजाब ये जरूरी नहीं पूरी कौम पर हो, ये कौम के
ज्यादा बड़े सरकश थे, ज्यादा पेश पेश लोग थे, तो उन लोगों पर अजाब, शदीद अजाब, किसी पर कोई अजाब, किसी पर कोई अजाब। तो गोया के कोई भी जालिम बस्ती है, या तो हम उसे मुकम्मल तौर पे हिला कर देंगे, पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद कर देंगे, हिला कर देंगे, या हम उस बस्ती के सरकर्दा लोगों पर, बड़े बड़े लोगों पर हम सख्त तरीन अजाब नाजिल करेंगे। तो एक तफसीर तो ये हुई, और ये तफसीर है हिलाकत की और अजाब की, अगर हम बस्ती से मुराद जालिम बस्ती है मुराद में, और ये राजे तफसीर है, ज्यादा लोगों की यही तफसीर है। इस सूरत में हिलाकत वो सख्त अजाब से भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा बड़ी सजा है, क्योंकि ये पूरी कौम पर आ रही है, पूरी कौम जो है वो खत्म हो जाएगी इस हिलाकत में। और फिर सख्त तरीन अजाब ये बड़े सरकर्दा काफिरों के लिए, ये अजाब, किसी पर कोई अजाब, किसी पर कोई अजाब, किसी पर बीमारी का अजाब, किसी पर किसी किस्म का अजाब, किसी का कोई हादसा, किसी का कोई अजाब। एक तफसीर तो ये हुई, ये तफसीर वाजह है। उस्ताद मोहतरम, जैसे नबी सल्लम की ये वो जो दुआ थी, उनमें से तीन में से दो कबूल कर दी गई थी और एक आखिरी थी खाना जंग की, वो कबूल नहीं हुई थी। तो इस उम्मत को है ना, मतलब मुकम्मल तौर पर हलाक नहीं किया जाएगा। तो पूरी इसमें इस आयत उम्मत मुराद है, की उम्मत मुराद है, बस्ती या क्या, पूरी उम्मत की बात तो नहीं हो रही ना, मुख्तलिफ ये मतलब बस्ती, बस्ती मुराद है। मुख्तलिफ कौमों की बात हो रही है। तो कौमें तो पूरी कौम की तबाह हो, पूरा एक इलाके के, एक एक मोहल्ले के, एक इलाके के काफी सारे लोग हैं, सारे लोग हिलाक हो जाएं अल्लाह के नाफरमानी की वजह से, जुल्म की वजह से, या उनके चीदा चीदा लोग हिलाक हो जाएं, तो पूरी उम्मत तो है भी बहुत बड़ी, पूरी उम्मत को उतनी तबाह किया जाएगा। एक तस्वीर तो यह हुई, क्लियर है। और मुअज्जिबुहा से हम यही लेंगे, वलनुज़िकन्नहुम अज़ाबल अदना दून अज़ाबल रब्बिल आलम यरजीऊन, ताकि वो ईमान की तरफ आ जाएं, लौट आए सीधे रास्ते की तरफ, इसलिए उनको अजाब दिया जाएगा। जी हिलाकत से मुराद, जैसे मैंने कहा कि पहली तस्वीर के मुताबिक, मुअज्जिबुहा मैं कह रही हूँ, मैं उसी की वजाहत ही कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा मुझे भी मौका दें, और जो मैंने पहले कहा है उसको भी सुने ना। मैंने कहा कि पहली तस्वीर के मुताबिक अगर ये सारी जालिम बस्तियां हैं, तो हिलाकत से मुराद सब लोगों को हिला कर देना उस मखसूस बस्ती के, और अजाब से मुराद उसके सरकर्दा लोगों को अजाब देना, ऐसा अजाब जिसमें वो मर जाएं या ना मरें। तो बहरहाल ये चीदा चीदा लोगों के लिए, तो एक तफसीर तो ये हुई। दूसरी तफसीर जो है ये राजे तफसीर है, ज्यादा लोगों ने यही की है। दूसरी तफसीर क्या है, वो तफसीर ये है कि इसमें सारी बस्तियों की बात हो रही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो इस तफसीर के मुताबिक नहीं है कोई भी बस्ती, जालिम हो या जालिम ना हो, अच्छी हो या बुरी, सारी बस्तियां आ जाएंगी। मगर या तो हम उसे हिला कर देंगे क्यामत के दिन से पहले पहले, अव मुअज्जिबुहा, या हम उसे अजाब देंगे, अजाबन शदीदा, सख्त अजाब। इस तफसीर के मुताबिक हिलाकत का ताल्लुक होगा मुसलमान कौमों से, और मुअज्जिबुहा अजाबन शदीदा का ताल्लुक होगा काफिर कौमों से, जालिम कौमों से। और फिर अगर हिलाकत का ताल्लुक मुसलमानों से होगा, तो मुसलमानों के लिए हिलाकत से मुराद क्या होगी, तभी मौत। और अगर मुअज्जिबुहा अजाबन शदीदा से मुराद जालिम और काफिर कौमें हैं, तो उससे मुराद ऐसी मौत जो अल्लाह के अजाब की वजह से आए। तो दूसरी तफसीर ये है। इस तफसीर के मुताबिक यहाँ बस्तियों में मुसलमान बस्तियां भी मुराद हैं और काफिर जालिम बस्तियां भी मुराद हैं। तो हिलाकत से मुराद तभी मौत, और इससे मुराद वो बस्तियां हैं जो जालिम नहीं है। तो वो देखें, मरना तो हर एक ने, जाना तो हर एक ने अल्लाह के पास है। कोई तभी मौत की सूरत में अल्लाह के पास चला जाएगा हिलाकत, इससे मुराद तभी मौत हो गई दूसरी तस्वीर के मुताबिक, और इससे मुराद गैर जालिम या गैर काफिर बस्तियां हैं। और मुअज्जिबुहा अजाबन शदीदा से मुराद अजाब की सूरत में मौत, तो ये फिर जालिम और काफिर लोगों के लिए होगा। और ये सारी चीजें ये किताब में, लोहे महफूज में लिखी है, किसको अल्लाह ने किस तरह हिला करना है, तभी मौत की सूरत में, और किसको अल्लाह ने अजाब की सूरत में हिला करना,
ये दोनों तफसीरें हैं, लेकिन इसमें राजे तफसीर क्या है, इसमें राजे तफसीर वल्लाहु आलम पहली ही है कि इससे सिर्फ जालिम बस्तियां ही मुराद हैं, और हिलाकत और अजाब दोनों से मुराद अल्लाह की तरफ से सजा है। और उस सूरत में हिलाकत से मुराद ज्यादा बड़ी सजा है कि वो पूरी बस्ती तबाह हो जाए, और मुआज़िबुहा अज़ाबन शदीदा उसके मुकाबले में निस्बतन ये हल्का अजाब है। और दोनों अजाब ये हिलाकत वाले और अजाब सख्त सख्त अजाब ये कुफार के लिए हैं। और उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला जब हिलाकत को अजाब के माने में इस्तेमाल करते हैं तो वो जुल्म की वजह से, वो काफिर लोगों पर हिलाकत आती है, फिर मुसलमानों की जो तभी मौत है उसके लिए फिर हिलाकत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। उसकी मिसालें आपको मैंने दी हैं कुरान से। वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, अल्लाह किसी कौम के उसके जुल्म की वजह से हिलाक नहीं करते। अब यहाँ हिलाकत से मुराद अल्लाह का अजाब है, तो इसलिए। और वमा कुन्ना मुहलिकल कुरा इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून, तो ये इस किस्म की कई आयात हैं। तो इन आयात से पता लगता है कि यहाँ हिलाकत अजाब के माने में है। और तो बहरहाल पहली तफसीर जो है वो राजे है। क्लियर है आपके सामने? वल्लाहु आलम। और है ये सब चीजें, ये सारी चीज किताब में लिखी हुई, किताब से मुराद लोहे महफूज है। लोहे महफूज में हर चीज लिखी है, किस कौम पर हिलाकत की कौन सी सूरत आनी है, इकट्ठा उस कौम ने हिलाक होना है, किसने इकट्ठा हिलाक नहीं होना, लोहे महफूज में सारा लिखा है। और ये असल में धमकी है, ये इंतजार है असल में कुफारे मक्का को, कुरैश को। आगे चलते हैं। वमा मनाअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहा अल अव्वलून, और नहीं हमें मना किया ये कि हम भेजें निशानियां, मगर इस बात ने कि जुटलाया उनके साथ, यानी उन निशानियों के साथ, अल अव्वलून पहले लोगों ने, पिछले लोगों ने जो पहले गुजर चुके, पहले लोगों ने जो गुजर चुके। वह आतना समूद नाकता, और दी थी हमने कौम समूद को ऊँटनी, मुबसिरतन मोजज़े के तौर पर, वज़लमू बिहा, तो उन्होंने उसके साथ जुल्म किया यानी कत्ल कर दिया। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा, और नहीं हम भेजते निशानियां मगर डराने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा मना अना, नहीं हमें मना किया, अन नुरसिला बिल आयाति के हम निशानियां भेजें, इल्ला मगर, अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून, इस बात ने, यानी इस बात ने, अल्लाह कहते हैं कि हमें रोक दिया कि हम निशानियां भेजें। किस बात ने रोका? इस बात ने कि पहले लोगों ने, जो पहले गुजर चुके हैं, उन लोगों ने निशानियों को जुटलाया था। तो क्या पता लगा? इस आयत करीमा से पता लगा कि अब अल्लाह ताला निशानियां नहीं भेजते। इसलिए निशानियां नहीं भेजते क्योंकि पहले लोगों ने निशानियों को जुटला दिया। तो क्या अल्लाह निशानियां नहीं भेजते? मुराद क्या है इससे? ये तो मैंने इसका लफ्जी माना किया कि चूंकि पहले लोगों ने जुटला दिया, लिहाजा अब इस चीज ने कि पहले लोगों ने जुटला दिया था निशानियों को, अल्लाह ने निशानियां भेजना बंद कर दिया। इस चीज ने कि पहले लोगों ने निशानियों को जुटला दिया, इस चीज ने अल्लाह को रोक दिया कि अल्लाह निशानियां भेजे। तो क्या मतलब है इसका? क्या इसका मतलब ये कि अब अल्लाह ने कोई निशानी नहीं दिखानी, कोई मुइजा नहीं दिखाना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मुइजा नहीं उतरा, कोई निशानी नहीं उतरी? क्या मुराद है? उनके मनपसंद थे। हाँ बिल्कुल ठीक। यहाँ मुराद आम मौजे, आम निशानियां नहीं है। यहाँ मुराद वो मौजे, वो निशानियां हैं जो लोगों के मुतालबे पर उतरे। देखिए वो तो अल्लाह ने, जिसके बाद मोहलत भी खत्म हो जाए और अजाब आ जाए। जी, यहाँ वो मौजजा, वो निशानी मुराद है। वरना तो हर नबी के साथ अल्लाह मौजे भेजते हैं, नबी की हक्कानियत के लिए, नबी की सदाकत के लिए। तो ये नहीं हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो अल्लाह के नबी बने तो उनके हाथ पे कोई मौजजा नहीं हुआ। बड़े बड़े मौजजे हुए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर, और उन मौजजात से ज्यादा हुए हैं जो पिछले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के हाथ पर सादिर हुए थे अल्लाह के हुक्म से।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उससे ज्यादा मोजज़ात हुए। लेकिन यहाँ आम मोजज़ात की बात नहीं हो रही, यहाँ उन मोजज़ात की बात हो रही है जो लोगों के मुतालबे पर दिखाए जाएं। और इसका पता लग रहा है आगे जो अल्लाह ने मिसाल दी है कौम समूद की और ऊँटनी की। कौम समूद पर जो ऊँटनी का मोजज़ा आया था वो कौम समूद के मुतालबे पर आया था। तो इस आयत करीमा का जो शान नज़ूल है उससे पता लगता है कि असल में कुफार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया था कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आपका दावा यह है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और आपका अल्लाह से राबता है, तो आप अल्लाह से कहें कि अल्लाह ताला मक्का की सरजमीन को, ये जो पहाड़ी सरजमीन है, इसको मैदानी इलाका बना दे, या अल्लाह ताला ये जो कोहे सफा है मस्जिद हराम के पास सफा और मरवा, तो ये जो कोहे सफा है इसको अल्लाह सोने का बना दे, हम मालदार हो जाएं और हम दुनिया में ऐशो इशरत करें, या अल्लाह ताला मक्का की सरजमीन को जो एक पहाड़ी सरजमीन है जिसमें ज़राअत नहीं हो सकती, उस दौर का बहुत बड़ा जरिया माश उस ज़राअत होती थी, तो हम मक्का की सरजमीन के पथरीले होने की वजह से, पहाड़ी इलाका होने की वजह से ना या नहरें हैं ना या ज़राअत हो सकती है, तो ये दूसरे अरब इलाकों की तरह, ये मदीना वगैरह की तरह ये एक मैदानी इलाका बन जाए जरखेज, जिसमें ज़राअत वगैरह हो सके, जहाँ नहरें वगैरह हों। ये मुतालबे उन्होंने किए अपनी तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजीज़ करने के लिए। ये नहीं था कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मानना नहीं चाहते थे, कई दफ़ा बात हुई है, वो आप पर ईमान नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि आप पर उनको आप पर यकीन तो था, कई मोजज़ात देख चुके थे वो, लेकिन उनको पता था कि ईमान लाएंगे तो फिर अपनी अपने तर्ज ज़िंदगी को छोड़ना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिश को छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना नहीं चाहते थे, तो वो उल्टे सीधे मुतालबे इस किस्म के पेश करते रहते थे। तो एक मुतालबा उन्होंने पेश किया कि हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक सफा पहाड़ को सोने का ना बना दिया जाए, या जब तक मक्का को एक मैदानी इलाका ना बना दिया जाए और नहरों का निज़ाम या जारी ना हो जाए, और ये और इससे मिलते जुलते मौजूदात पेश मांगते रहते थे। कभी कहते कि कोई फरिश्ता आपके साथ मौजूद हो वो डराए, कभी कहते कि आपके पास कोई बाग मौजूद हो, कभी कहते कि आप आसमान पे चढ़ के दिखाएं, कभी कहते कि आप कहते हैं हम मुझ पर किताब उतरी है, आप हम पर भी किताब उतार के दिखाएं, कभी अल्लाह हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, कभी कोई मुतालबा जड़ देना, कभी कोई मुतालबा जड़ देना। अल्लाह कहते हैं कि हम तो लोगों के मुतालबे पर मौजदात भेजते ही नहीं, हमें मना किया कि हम लोगों के मुतालबात के हम निशानियां भेजें, मगर इस बात ने कि पहले लोगों ने जुटला दिया। अल्लाह कहते हैं लोगों के मुतालबे पर हमने निशानियां भेजना बंद कर दिया है, इसलिए बंद कर दिया है कि पिछली कौमें भी मुतालबे करके मोजज़ात मांगती थी, और पिछली कौमों ने मुतालबे करके जब मोजज़ात मांगे और उनका इनकार किया, तो अल्लाह ने आगे मुतालबे पर मोजज़ात भेजने बंद ही कर दिए, और ये भी अल्लाह के लोगों पर एहसान है। ये अल्लाह का लोगों पर कैसे एहसान है, लोग मुतालबा कर रहे हैं हमें मौजदा मौजदा दिखाया जाए और अल्लाह मौजदा ना दिखाएं, ये इसलिए अल्लाह का लोगों पर एहसान है कि अल्लाह की भी एक सुन्नत है, अल्लाह का भी एक तरीका है। वो तरीका ये है कि अगर अल्लाह खुद मौजदा भेजें लोगों के मुतालबे के बगैर नबी की हक्कानियत के लिए, तो फिर लोग अगर ना माने तो लोगों को ढील मिल जाती है, मोहलत मिल जाती है। लेकिन अल्लाह की एक सुन्नत है, अल्लाह का एक उसूल है, अगर लोग मुतालबा करके मौजदा मांगे और फिर लोग उसको न माने, फिर मोहलत नहीं मिलती। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने, उनकी कौम ने एक मौजजा मांगा था कि आसमान से एक दस्तरखान उतरे तो हम उससे खाएं और हमें यकीन हो जाए कि हजरत ईसा अल्लाह के सच्चे नबी हैं। यकीन तो उन्हें पहले था, ये मुसलमानों की तरफ से, हवारियों की तरफ से ये मुतालबा था। तो अल्लाह हज़रत ईसा के हवारियों ने हज़रत ईसा को मजबूर किया कि वो अल्लाह से दुआ करें। पहले हज़रत ईसा ने हवारियों पर नाराज़ हुए कि अल्लाह से डरो तुम, क्या तुम्हें अल्लाह पर ईमान नहीं है, अल्लाह को क्यों आजमाना चाहते हो, मोमिन का काम नहीं है अल्लाह को आजमाए, अल्लाह का काम है अल्लाह अपने बंदे को आजमाए, मखलूक का काम नहीं है अपने रब को आजमाए। लेकिन हवारियों ने कहा कि हम अगर
आपका रब ये ताकत रखता है तो आपका रब हम पे दस्तरखान भेज दे। तो हजरत मूसा ने कहा इत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान रखते हो। उन्होंने कहा नहीं, कालू नुरीद नाकुल मिनहा, हम खाना चाहते हैं। वतत्मईन कुलूबुना, हम अपने दिलों का इत्मीनान चाहते हैं। वना अलमान कद सदकतना, और हमें यकीन हो जाए, हम जान लें कि आपने हमसे सच बोला। वना कून अलैहा मिन शाहिदीन, और हम गवाह भी बन जाए। तो हजरत ईसा ने मजबूर होकर फिर दुआ की, इनका ईसा बिन मरियम ने अल्लाह से दुआ की कि फिर क्या अल्लाह हम पर आसमान से एक मायदा उतार दे, दस्तरखान उतार दे। तकूनुलना ईद अली अवलीना व आखिरीना, वो हमारे पहलों और हमारे बाद वालों के लिए खुशी का दिन होगा। वह आयत मिन का, और आपकी तरफ से एक बड़ी निशानी होगी। वरजुकना व अंत खैरुर राज़िकीन, आप हमें रिस्क दें, आप बेहतरीन रिस्क देने वाले हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों के कहने पर, उनके तकाजे पर, बार बार हजरत ईसा ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने क्या जवाब दिया इस दुआ के नतीजे में? अल्लाह ने फरमाया काल अल्लाह इन्नी मुनज़िलुहा अलैक। अल्लाह ने कहा अच्छा, अल्लाह ने कहा अच्छा, ये देखना चाहते हैं अल्लाह अल्लाह ने आपसे सच सच वादे किए हैं कि नहीं? अल्लाह ने कहा मैं उतार दूंगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ने कहा मैं आसमान से दस्तरखान भी उतार दूंगा, पूरी कौम के लिए काफ़ी भी होगा। लेकिन फमन यकफुर बादु मिनकुम, चूंकि ये मौजजा मांगा जा रहा है मुतालबे पर, अब अगर किसी ने इनकार किया तो इन्नी वअज़िबुहु अज़ाबल्लाह वअज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, फिर मैं ऐसा अजाब दूंगा कि फिर ऐसा अजाब मैंने कभी किसी को नहीं दिया होगा। फिर ढील खत्म हो जाएगी, फिर फौरी अल्लाह का अजाब आ जाएगा अगर ना माना ये किसी ने। तो दस्तरखान सिर्फ वो 12 लोगों के लिए था या पूरी कौम के लिए? यही महसूस हो रहा, पूरी कौम के लिए था, वल्लाहु आलम। बहरहाल तफसील का तो अल्लाह को पता है। तो गोया कि यहाँ मुतालबे पर मुआवजा मुराद है। अल्लाह कहते हैं हमने मुतालबे पर मौइज़े भेजना बंद कर दिए। कुरान करीम में कई जगहों पर मुशरिकीन का ये एतराज़ है कि आप निशानी क्यों नहीं दिखाते। उससे मुराद ये नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कोई निशानी, कोई मौइज़ा पेश ही नहीं किया। उससे मुराद मुतालबे वाले मौइज़े, जो मुशरिकीन के मुंह में आए वो मुंह से निकाल दें और कि ये मौइज़ा पूरा होना चाहिए। एक तो अल्लाह इसलिए ये मुतालबे पर मौइज़े नहीं भेजते कि जो मुतालबे वाला मौजदा है उसके बाद ढील नहीं होती। तो अगर फिर कोई इनकार कर दे, कई मान लें, जो मान लेंगे बच जाएंगे, जो नहीं मानेंगे फिर उनकी ढील खत्म हो जाएगी, फौरी अजाब आ जाएगा। अल्लाह चाहते हैं कि ढील मिले लोगों को, अगर फौरी अजाब आ जाए तो फिर वो मर जाएंगे और हदायत याफ्ता नहीं होंगे। मोहलत मिल जाएगी तो शायद कई लोग ईमान ले आए, ईमान ले आए। अगर अल्लाह कुरैश मक्का सबको ढील ना देते तो आपको पता कुरैश मक्का में से कई लोग फतह मक्का के मौके पर जाके मुसलमान हो गए। अगर अल्लाह ढील ना देते तो देखिए ये लोग, बहुत सारे लोग कुफर की हालत में ही अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाते। तो ये अल्लाह की तरफ से ढील मिलना, फौरी अजाब ना आना, ये भी तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। तो एक तो वजह ये है कि अल्लाह मुतालबे पर मौइज़े इसलिए नहीं भेजते। दूसरी बात क्या है, अल्लाह मुतालबे पर मौइज़े क्यों नहीं भेजते? असल में मुतालबे पर मौजे अल्लाह भेजना शुरू करें तो क्या लोगों के मुतालबे कम होंगे? वो एक के बाद नया मुतालबा आ जाएगा, उसके बाद नया। ये नहीं कि अल्लाह मुतालबे पूरे नहीं कर सकेंगे। अल्लाह तो दुनिया के जितने भी लोग हैं, हर बंदा नया मुतालबा करे अल्लाह उसका मुतालबा पूरा करें, तो अल्लाह तो करोड़ों अरबों खरबों, हमारी गिनती खत्म हो जाएगी। अल्लाह हर हर शख्स का मुतालबा पूरा करना शुरू करें, वो कितना बड़ा मुतालबा क्यों ना हो, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक ये लोग इसको एक खेल तमाशा बना लेंगे। अगर अल्लाह मुतालबे पर मौजदे उतारना शुरू कर दें, लोग अल्लाह से मुतालबा करेंगे जी आसफा पहाड़ को सोने का बना दें, अल्लाह इसको पूरा करें। लोग कहें जी अब ओहद पहाड़ को सोने का बना दें, अल्लाह उसको पूरा करें। लोग कहें नहीं, हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक आप फलां काम ना कर लें। अब वो ताइफ को भी अब मैदानी इलाका बना दिया जाए, तो ये एक ऐसा, यानी असल में जिसने मानना है उसके लिए वो मौजज़े काफ़ी हैं जो उतर चुके हैं।
कुरान जैसा मोजजा किसी नबी पर नहीं आया, अल्लाह ने बिन मांगे मोजजा दिया। कुरान जैसा मोजजा जो मोजजा खालिद है, और इससे बड़ा मोजजा कोई नहीं है। जिसने मानना है वो कुरान, कुरान में एक मोजजा नहीं है, कुरान की हर आयत अपनी जगह मोजजा है। कुरान की हर आयत को आयत कहते हैं और आयत मोजजे को कहते हैं, बहुत बड़ा मोजजा। तो कुरान करीम में तो 6,000 से ऊपर मोजजा आते हैं। जिसको कुरान के मोजजे नजर नहीं आते उसको दूसरे को मोजजे कैसे समझ आएंगे। तो ये तो एक ऐसा खेल शुरू हो जाएगा कि लोग इसको खेल तमाशा बना लेंगे। तो अल्लाह मुतालबे पर मोजदे नहीं भेजते। तो अल्लाह फरमाते हैं नहीं हमें रोका इस बात ने कि हम निशानियां भेजें, इससे मुराद मुतालबे पर निशानियां भेजना। नहीं हमें मना किया इस बात ने, इस बात से, मगर इस चीज ने कि पहले लोगों ने जुटला दिया था। असल में जब भी लोग मोजदा मांगे तो सारे लोग ईमान नहीं लाते। अगर मुतालबे पर मौजदा आ भी जाए, अल्लाह कहते हैं कि बहुत सारे लोग फिर भी झुठला देते हैं। लेकिन अब फिर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का एक उसूल है, मुतालबे पर मौजदा आए तो फिर मोहलत नहीं मिलती। अब देखिए कौमे समूद की बात हुई, अल्लाह कहते हैं हमने कौमे समूद को ऊँटनी दी थी और ये मुतालबे पर मिली थी, उन्होंने जुल्म किया। तो फिर अब देखिए अल्लाह ने फिर कौमे समूद को फिर मोहलत नहीं दी, 3 दिन की उनको कहा 3 दिन के अंदर अंदर अजाब आ जाएगा। तमत्तउ फी दारिकुम 3 अय्याम, 3 दिन का मोहलत तो मोहलत ही नहीं है। बाकी कौमों को तो, हजरत नूह अलैहि सलाम की कौम को तो कितने 100 साल की मोहलत मिली, दीगर कौमों को लंबी लंबी मोहलतें मिली। लेकिन कौम समूद ने जब ऊँटनी को हिला किया और पाँव काट डाले, फिर उसको हिला कर दिया, तो कौम समूद को तो फिर तीन कहा गया 3 दिन के अंदर अंदर अजाब आ जाएगा। फिर अल्लाह का वो उसूल है कि जब मुतालबे पर मुआवजा मांगा जाए, अगर ईमान न लाया जाए तब फिर फौरी अजाब आता है। फिर अल्लाह नहीं चाहते फौरी अजाब आए। तो ये अल्लाह का एहसान है कि फिर अल्लाह मुतालबे पर मुआवजा भेजते नहीं। अगर अल्लाह मुतालबे पर मुआवजा भेज दें तब फिर अजाब आना नागुजीर हो जाएगा, और अल्लाह नहीं चाहते कि फौरी अजाब आ जाए, अल्लाह चाहते हैं थोड़ी ढील मिले। तो इसलिए अल्लाह क्या करते हैं, अल्लाह फिर मुतालबे पर मुआवजे नहीं भेजते। अल्लाह की रहमत है ये। देखिए इंसान किस तरह सरकशी करता है, और अल्लाह इंसान के सरकशी के बावजूद अल्लाह कितने रहीम और करीम है। अल्लाह चाहते हैं कि इंसान को चले मोहलत मिल जाए, मुमकिन है ये मान ले आए। अल्लाह को तो पता है क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन अल्लाह ढील देना चाहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने कौम समूद को ऊँटनी दी थी, तो ये ऊँटनी कौम समूद को जो मुआवजे के तौर पर मिली थी, उन्होंने कहा था कि ये गार से एक ऊँटनी निकले, हामला उठनी हो या ऐसी ऐसी उठनी हो। तो मुतालबा उन्होंने किया, जैसे उन्होंने मुतालबा किया अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहि सलाम के हाथ पर वैसे ही मौजजा पूरा कर दिया। लेकिन अल्लाह ने शर्तें लगा दी थी कि एक दिन ये उठनी पिएगी, एक दिन पूरी कौम पिएगी। तो अब वो कौम वालों ने फिर जुल्म किया उठनी के साथ, उन्होंने उसका वो ध्यान नहीं किया जो ध्यान करना चाहिए था, वो इज्जत नहीं की, वो मकाम नहीं दिया उठनी को, उन्होंने उठनी के साथ ज्यादती की, पाँव काट डाले उसके, उसको कत्ल कर दिया, ज़िबा कर दिया। तो फ़ज़लमू बिहा से मुराद ये गद्दार बिन सालिफ उनका बदबخت शख्स था सबसे, जिसने जो इस मामले में पेश पेश था, अच्छा गद्दार बिन सालिफ। तो अल्लाह फरमाते हैं दूसरी बात, अल्लाह कहते हैं वमा नुरसिलु, दूसरी बात अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक बात अल्लाह फरमाते हैं कि हम मुतालबे पर मौजज़े भेजते हैं, और ये अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का करम है, क्योंकि मुतालबे पर मुआवजा आएगा तो मोहलत खत्म हो जाएगी, अल्लाह चाहते हैं मोहलत मिले। नंबर दो, वो अंडरस्टूड बात है, यहाँ जिक्र नहीं है। ये है कि अगर अल्लाह मुतालबे पर मौजदात पूरे करना शुरू कर दें तो लोगों के मुतालबे खत्म ना हो, लोग इसको मजाक बना लें। अल्लाह तो नहीं चाहते मजाक बने, ये कोई मजाक तो नहीं है, लोग मजाक बना लेते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 10वां, 50वां। फिर अल्लाह फरमाते हैं वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तखवीफा, अगर मुतालबे पर अल्लाह ने मौजदे भेजना शुरू कर दिए तो लोग खेल तमाशा बना लेंगे, जैसे मैंने कहा। तो फिर असल में मौजदा खेल तमाशा होता ही नहीं, किसी सूरत में खेल तमाशा नहीं होता। फिर क्या होता है मौजदा, मौजदा तो डराने के लिए होता है। और मानूर सलू बिल आयाति इल्ला तख्वीफा, नहीं हम भेजते आयतें निशानियां मगर डराने को। मौजदे आए जब अल्लाह से तो लोगों को डर कर, डरते हुए उन मौजज़ात को देखना चाहिए, ना ना कि लोग
खेलते हुए तमाशे करते हुए मोजज़ा देखें, मुतालबे पर मोजज़ा मांगे और फिर मोजज़ा आए, लोग हंसते खेलते नया मोजज़ा मांग लें, फिर हंसते खेलते नया मोजज़ा मांग लें। अल्लाह कहते हैं मोजज़े खेल तमाशे के लिए नहीं आते, मोजज़े तो बड़े सेंसिटिव मामला है, ये तो यानी डरावे को आते हैं, क्योंकि मोजज़ा आए और फिर लोग ना माने तो फिर अल्लाह का गज़ब फिर ज़्यादा होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं नहीं, हम भेजते निशानियों को मगर डराने के लिए, ये निशानियाँ खेल तमाशा नहीं होती। وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, और जब हमने कहा إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ कि बेशक आपके रब ने घेर लिया है लोगों को, कैसे घेर लिया है लोगों को, यानी अपने इल्म के एतबार से भी और अपनी कुदरत के एतबार से भी, पकड़ के एतबार से भी, अल्लाह ने सब लोगों को घेरा हुआ है अपने इल्म के एतबार से, हर शख्स के हालात, हर शख्स की एक एक चीज़ अल्लाह के सामने खुली किताब की तरह है, उसका जाहिर भी उसका बातिन भी। ये मतलब है जब हमने आपसे कहा कि आपके रब ने लोगों को घेर लिया है, यानी लोगों को घेर लिया इल्म के जरिए, जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, अल्लाह ने हर शेय का अहाता किया इल्म के जरिए। तो यहाँ इन रब्बका अहाता बिन्नास से मुराद अहाता इल्मी मुराद हो सकता है। जब हमने आपसे कहा, आपको वही की कि बेशक आपके रब, आपका रब लोगों को घेरे हुए है यानी अपने इल्म के साथ, दूसरी तफसीर ये है कि आपका रब लोगों को घेरे हुए है यानी अपनी कुदरत और ताकत के साथ, यानी कोई शख्स अल्लाह के चुंगल से, अल्लाह के कब्जा कुदरत से निकल नहीं सकता। जिस तरह अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमाया है या माशर अल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ु मिन अक़तारि समावाति वल अर्ध फनफुज़ु ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, कि ए इंसानों और जिन्नों की जमात, अगर तुम ताकत रखो कि तुम जमीन और आसमान के किनारों से निकल सको तो निकलो, निकलने की कोशिश करो, तुम नहीं निकल सकोगे मगर गलबे के साथ, वो गलबा तुम्हारे पास है नहीं अल्लाह के बिलमुकाबिल। तो एक तफसीर ये हुई कि हम जब हमने कहा आपसे कि आपका रब लोगों को घेरे हुए है, आपके रब ने लोगों को घेर लिया है, या तो इससे मुराद अहाता इल्मी है, अल्लाह ने इल्म से अहाता किया हुआ हर शख्स का, जाहिर का, बातिन का, हर चीज़ का, और यह इससे मुराद अहाता है कुदरत है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से लोगों का अहाता किया हुआ, लोग अल्लाह के कब्जे कुदरत से नहीं निकल सकते, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते किसी तौर पर भी। وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ, और नहीं था वो देखना, वो जो हमने आपको दिखाया, अल्लती अरैनाका, और नहीं हमने बनाया वो देखना, वो जो हमने आपको दिखाया था, यानी कब, मेराज के मौके पर, नहीं है वो देखना जो हमने आपको दिखाया था मेराज के मौके पर, मगर लोगों के फितना है, लोगों के फितने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं जब पीछे नहीं आ जाए बाद में इल्ला आ जाए तो फिर हसर पैदा हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं वो जो अल्लाह ने दिखाया आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा और मेराज पर, अल्लाह फरमाते हैं नहीं था वो देखना जो हमने आपको दिखाया मगर लोगों की आजमाइश। वो बहुत बड़ी आजमाइश थी, वो था आजमाइश के लिए तो था, रातों रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा भी हो गया, बैतुल मक़दस की सैर भी हो गई, जो एक महीने का एक तरफ का सफ़र था, रातों रात आप गए भी वापस भी आए, और सिर्फ आपने बैतुल्ला से बैतुल मक़दस का सफ़र नहीं किया बल्कि आपने तो आसमानों की सैर भी की। तो यहाँ रुया से मुराद, आम तौर पर रुया से मुराद ख्वाब होता है, यहाँ रुया से मुराद ख्वाब नहीं है, जिस तरह सहाबा और ताबीन की तफसीर है, बहुत सारे सहाबा और ताबीन ने इस आयत करीमा की तफसीर की, और यहाँ रुया से मुराद रुया का आम माना ख्वाब होता है, ये मुराद नहीं है नहीं हमने बनाया उस ख्वाब को जो हमने आपको दिखाया था मगर लोगों के फितने के लिए, और बात हो रही है इसरा और मेराज की, और जिस तरह इस सूरत की पहली आयत में जिक्र है। तो यहाँ रुया से मुराद ख्वाब नहीं है, जिस तरह आम अरबी जबान में कई दफ़ा रुया ख्वाब के माने में इस्तेमाल होता है, यहाँ रुया से मुराद क्या है जी, कौन बताएगा, ग्रामर की रूह से क्या है ये रुया? देखने के इस समय वैसे कौन सा इसमें अलम, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें आला, इसमें जरफ मस्दर, क्या है ये? फाइल फाइल तो नहीं है, फाइल तो या फाइल उनके वजन पर होगा या फिर शुरू में मीम, मीम मजमूम,
ये मसदर है, और मसदर किससे है ये? मसदर जैसे सादे मतलब देखने की देखने वाला से एक होता है खान, मतलब खाया, उसे मसदर होता है अकल, खाना। एक होता है जालम, उसने जुल्म किया, इसका मसदर क्या होता है? जुल्म, यानी जुल्म करना। जुल्म आलिम है, उसने जाना, इसका मसदर क्या होगा? इल्म, तो मतलब क्या इल्म होगा? आलिम का मतलब उसने जाना, और इल्म का मतलब जानना। तो अब रआ फेल माजी या रआ या रा, उसने देखा, वो देखता है, तो इसका मस्तर क्या है? रुया, रुया का क्या मतलब होगा? देखा हाँ, ख्वाब भी नहीं, कहा जाता है उसे, ये रआ से वैसे है। देखा। नहीं, देखा तो माजी हुआ ना, फेल हुआ ना, देखा। मस्तर का माना क्या होगा? देखना। तो मिसालें दी है ना कि अकला, उसने खाया, इसका मस्तर क्या है? अकल। और अकल का माना क्या होगा? खाना। ये मस्तर है ना, खाना, ये मस्तर ही माना है। जालमा, उसने जुल्म किया, ये फेल माजी है, तो इसका मस्तर क्या होगा? जुल्म। और इसका माना क्या होगा उर्दू में? जुल्म करना। इसी तरह मसलन आलिमा की मिसाल दी, उसने जाना, इसका मस्तर क्या है? इल्म। और इसका मतलब क्या होगा उर्दू में? मस्तर ही माना, जानना। तो इसी तरह रआ फेल माजी है, मुजर्रद, रआ, तो इसका मतलब उसने देखा, तो इसका मस्तर क्या होगा? रु या रआ का, आपको पता है ये देखना, प्लासी मुजर्रद के मस्तर सिमाई होते हैं, तो ये रआ से रुया, देखना। अगरचे मैंने जैसे जिक्र किया, रुया का माना ख्वाब भी होता है, कुरान करीम में कई जगह पर रुया ख्वाब के माने में इस्तेमाल हुआ, या अबती ला इज काल अली अबी या अबती इन्नी रायतु अहद काल या बुनैया ला तक्सुस रुया का, हजरत याकूब ने कहा, प्यारे बेटे ए यूसुफ, अपने ख्वाब को अपने भाइयों पर बयान न करना। तो वहां ख्वाब के लिए रुया लफ्ज आया, बादशाह ने भी ख्वाब देखा था, तो उसके लिए भी कुरान में रुईया का लफ्ज है। तो रुईया के अब दो माने हुए, रुईया का एक माना ख्वाब, और रुईया का एक माना मस्दर। असल में ख्वाब भी एक लिहाज से मस्दर के माने में है, कि ख्वाब में भी अल्लाह कोई ना कोई चीज दिखाते हैं, ख्वाब में भी कुछ देखना होता है, लेकिन वहां होता है देखना सोते हुए ख्वाब में, यहाँ मस्तरी माना है देखना, और यहाँ सोते हुए ख्वाब में देखना मुराद नहीं है, हालते बिदारी में देखना मुराद है। रोया के दोनों माने लुगत के तौर पर सकते हैं, ख्वाब में देखना और हालते बिदारी में देखना। अब यहाँ रोया से मुराद हालते बिदारी में देखना है, जिस तरह ये तफसीर मैंने बताया सहाबा ताबईन की एक कसीर तादाद से मरवी है। वो कहते हैं यहाँ रोया हालते बिदारी में देखने की बात है, और ये मस्तर है, तो अब क्या मतलब होगा? वमा जालना, और नहीं हमने बनाया अर्रुया। अब अर्रुया का माना हालते बिदारी में देखना करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना, क्या देखना? अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों को, यानी जन्नत को, जहन्नम को, सिदरतुल मुंतहा को, बुराक और हजरत जिब्रील को देखा, तो इस तरह अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। तो इन बड़ी बड़ी निशानियां देख, इसरा भी हुआ, मेराज भी हुआ, तो ये रातों रात ये सारा मामला हो गया। तो इस सारी चीज को अल्लाह यहाँ ताबीर कर रहे हैं अर्रुया, देखना। वो जो सारी निशानियां बड़ी बड़ी अल्लाह ने दिखाई और आपने देखी, तो वो जो देखना था, और ये देखना हालते बेदारी में था, तो यहाँ रुया से मुराद ख्वाब का देखना मुराद नहीं लिया जाएगा। रुया के दोनों माने होते हैं, ख्वाब में देखना भी और हालते बेदारी में देखना भी। यहाँ उसका एक माना हालते बेदारी में देखना, ये मुतय्यन हो गया सहाबा और ताबीन की तफसीर की वजह से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत की वजह से, कि ये सारा वाकया हालते बेदारी में पेश आया, ये ख्वाब में सोते हुए पेश नहीं आया, ये हकीकत उस्ताद मोहतरम, और आगे इल्ला फितनत लिन्नासी की वजह से भी पता चल गया कि ये अरुया का माना बेहालते बेदारी में। है। हाँ, बिल्कुल ठीक, शाबाश। यहाँ फितने से भी पता लगा, और नहीं हमने बनाया उस देखने को, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अल्लती अरैना का, जो हमने आपको दिखाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरैना का से भी पता लग रहा है, तो नहीं हमने बनाया उस देखने को जो हमने आपको दिखाया, अल्लाह कहते हैं, और ये हालते बेदारी में हुआ, मगर लोगों के लिए फितना, फितने से पता लगा कि ये हालते बेदारी में था।
अगर ये हालत बेदारी में था नहीं, हालत ख्वाब में था, फिर तो फितना बनता ही नहीं, फिर तो ये आजमाइश बनता ही नहीं, ये फितना बन गया कई लोगों के लिए। कई लोग जो हैं वो दूर हो गए इस्लाम कबूल करने से। ये कैसे हो सकता है जी? रातों रात इसरा का सफर, बैतुल मकदस का सफर और आसमानों का सफर, कई बदबख्त जो है वो दूर हो गए मजीद इस्लाम कबूल करने से, इसकी वजह से। तो ये लोगों के लिए फितना बन गया। फितना कैसे बनता है? ख्वाब हो तो फिर तो फितना नहीं बनता। लोग ख्वाब में, कई दफा लोग ख्वाब में एक एक शहर से दूसरे शहर के, दूसरे मुल्कों के भी, आसमानों की भी सैर कराते हैं। ख्वाब में तो बंदा कुछ भी देख सकता है, वो आजमाइश नहीं होता। आजमाइश होता है हालत बेदारी का देखना। और इसकी मजीद तफसील और वजाहत इस सूरत की पहली आयत में गुजर चुकी है। वहां अल्लाह ने लफ्ज़ सुबहान इस्तेमाल किया था, बहुत पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। वहां लफ्ज़ अब्द भी है, लफ्ज़ अब्द से भी पता लगा जिस्म और रूह समेत था। तो यहाँ भी अरुया से मुराद सहाबा और ताबीन की तस्वीर के मुताबिक यहाँ हालत बेदारी में देखना मुराद था। तो अल्लाह फरमाते नहीं, हमने बनाया उस देखने को जो हमने आपको दिखाया था यानी हालत बेदारी में, मगर लोगों के लिए आजमाइश हमने बनाया, और आजमाइश बनता भी तब है जब वो हालत बेदारी में है, वरना आजमाइश बनता ही नहीं। वह शजरत अल मलऊनत फिल कुरान, और लानत वाला दरख्त जो कुरान में है। यानी एक तो हमने इस ख्वाब को, सॉरी, ये जो देखना था जो आपका, जो हालत बेदारी में था, एक तो हमने इस हालत बेदारी में जो आपने देखा इसरा पर और मेराज पे, एक तो हमने उसे लोगों के लिए आजमाइश बनाया, और नंबर दो हमने वो जो कुरान में मलऊन दरख्त है उसे भी हमने लोगों के लिए आजमाइश का बाइस बनाया। लोगों की आजमाइश का बाइस दो चीजें हैं इस आयत में। एक वाकया इसरा और मेराज, वो जो अल्लाह ने नबी वसल्लम को हालत बेदारी में चीजें दिखाई, एक वो चीज लोगों के लिए फितना बन गई, और दूसरी चीज लोगों के लिए फितना क्या बनी? वो शजरत अल मलऊनत फिल कुरान, और कुरान में जो एक वो दरख्त है जिस पर लानत है, मलऊन दरख्त। कौन सा दरख्त? ये भी लोगों के लिए फितना है। कई लोगों ने इस दरख्त की वजह से इनकार कर दिया, हम मुसलमान नहीं होते। तो इससे मुराद कौन सा दरख्त है? मलऊन दरख्त। दोहर का वो जैतून का दरख्त। तो ये मलऊन दरख्त क्यों है? असल में ये दरख्त जहन्नम का दरख्त है, थोर का दरख्त, और ये जहन्नम की जड़ से निकलता है। सूरह साफ़ात में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना हा शजरतुन तखरुजु फी असलिल जहीम, ये दरख्त निकलता है जहन्नम की बुनियाद से, जहन्नम की जड़ से। तलउहा का अन्नहु रुउसु शयातीन, इसके शगुफे ऐसे हैं, वो जो नया नया पौधा या फूल सा निकलता है, तो वो इसके खोशे ऐसे हैं जैसे शैतान का सर हो। ये बहुत गर्म होगा, जिस तरह गर्म पानी गर्म होता है उबलता हुआ, ये भी बहुत गर्म होगा, और ये एक अजाब है। अच्छा, इस दरख्त को मलऊन क्यों कहा? ये दरख्त मलऊन है, इस दरख्त का क्या कसूर है? ये तो काफरों के लिए अजाब होगा ना, काफरों के लिए सजा होगी, जैसे गर्म पानी, उबलता हुआ पानी। उबलते हुए पानी का अपना कसूर तो कोई नहीं है ना, वो तो काफरों के लिए सजा है। आग है मसलन, आग का अपना कसूर तो नहीं है, वो तो काफरों के लिए सजा है। उबलता हुआ पानी का अपना कसूर कोई नहीं है, वो काफरों के लिए सजा है। तो इस दरख्त का अपना कसूर क्या हुआ कि ये दरख्त मलऊन हो गया? जहन्नम ये असल में दरख्त मलऊन नहीं है, ये दरख्त मलऊन लोगों की गजा बनेगा, इस एतबार से इसे मलऊन कहा है, वरना ये दरख्त खुद मलऊन नहीं है। क्या हम माना करेंगे मलऊन दरख्त का? ये बिल्कुल ऐसे बात है जैसे हम कहते हैं कि मनहूस दिन में काफरों पर अजाब आया, ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम कहते हैं कि क्यामत का दिन काफरों के लिए मनहूस होगा। याद रखिए, ना काफरों पर मनहूस दिन में अजाब आता है, मसलन बदर के दिन काफरों पर अजाब आया और काफिर अल्लाह के गजब का शिकार हुए, तो बदर का दिन मनहूस दिन था काफिरों के लिए, वो मनहूस था। मुसलमानों के लिए तो वो फतेह मुबीन का दिन था, यौमुल फुरकान अल्लाह ने कहा है, हक और बातिल में फर्क करने का दिन। इसी तरह कौम आद, कौम समूद पर अजाब आए, फिरौन पर अजाब आया 10 मुहर्रम को, क्या वो
यानी मनहूस देना है 10 मुहर्रम, वो तो खुशी का दिन है मुसलमानों। तो असल में कोई दिन मनहूस नहीं होता, कोई दरख्त मनहूस नहीं होता, आग मनहूस नहीं होती। असल में बाज दफा किसी चीज को मनहूस कह दिया जाता है एक एतबार से, तो इस दरख्त को मलऊन कहा गया है, मलऊन लोगों की गजा होने के एतबार से। या जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कि कौम समूत पर अजाब आया था, कुरान की आयत है, फी यौम नहसिन मुस्तमिर, एक मनहूस दिन में कौम समूत पर अजाब आया था। वो दिन मनहूस नहीं था, असल में उस दिन को मनहूस कहा, मनहूस कौम के मनहूस बुरे आमाल की वजह से जो उन पर अजाब आया, उस वजह से, उस एक एक पहलू की वजह से उस दिन को मनहूस कहा, वरना वो दिन मनहूस नहीं है। वो तो हजरत सालेह अलैहि सलाम के लिए एक फतेह मुबीन का दिन था। तो ये दरख्त मलऊन नहीं है असल में, इसको मलऊन कहा, मलऊन लोगों की के लिए अजाब का बाइस बनने की वजह से, एक एतबार से इसको मलऊन कह दिया। क्लियर है? तो यानी मतलब है कि एक तो हमने वो जो देखना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम का बेदारी में, एक तो अल्लाह फरमाते हैं हमने उसे एक तो आजमाइश बनाया लोगों के वाकई इसरा और मेराज को, और नंबर दो मलऊन दरख्त जो कुरान में है, जकूम का दरख्त, सूरह दुखान में भी इसका जिक्र है, इसको भी हमने, इन दोनों चीजों को हमने फितने का बाइस बनाया। वनुखविफुहुम, और हम उन्हें डराते हैं, कुफार को, अल्लाह के नाफरमानों को हम डराते हैं। फमा यजीदुहुम इल्ला तुग्यानन कफीरा, लेकिन देखिए लोगों की क्या हालत है। अल्लाह कहते हैं हम डराते हैं, लेकिन ये हमारा डराना नहीं ज्यादा करता लोगों को, मगर बड़ी तुग्यानी में, हमारे डराने से बजाय से कि लोग डरें और अल्लाह के आजिज बन जाएं, अल्लाह की बात माने, अल्लाह के करीब हो जाएं, लोग करीब होने की बजाय, डरने की बजाय लोग मजीद सरकशी पर उतर आते हैं। हमारा डराना लोगों की तो यानी सरकशी को में मजीद इजाफा कर देता है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।